है गाइस, वेलकम टू एनजीसी टॉक्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल साउथ इंडियन टॉप 10 बेस्ट मूवीज के बारे में जो हिंदी में अवेलेबल हो। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप चाहते हो कि मैं ऐसी मूवीज के बारे में आपको बताऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट मूवी है वी। वी 2020 में एक थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे आईएमडी पर 6.9 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में दिखाया गया है कि वी नाम का एक मिस्टीरियस बंदा होता है जो कि बहुत ब्रूटल तरीके से लोगों की हत्याएं कर रहा होता है, जिसके बाद उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर लग जाता है जो कि किसी तरह उसे पकड़ना चाहता है, जिसके बाद दोनों के बीच क्या होता है अब इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया। एजेंट साई 2019 में आई एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है जिसे आईएमडी पर 8.4 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में साई श्रीनिवास नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव की स्टोरी दिखाई गई है जो नेल्लोर नाम की जगह में रहता है। एक दिन उसके पास एक केस आता है जिसको सोल्व करते हुए खुद ही उस केस के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद वो इस केस की मिस्ट्री का पता कैसे लगाता है और खुद कैसे इससे बाहर निकलता है इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है सैरा नरसिम्हा रेड्डी। सैरा नरसिम्हा रेड्डी 2019 में आई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे आईएमडी पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में भारत के सबसे पहले क्रांतिकारी नरसिम्हा रेड्डी की स्टोरी दिखाई गई है, जिन्होंने किस तरह से 1857 की क्रांति से 10 साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। नेक्स्ट मूवी है युवा रत्ना। युवा रत्ना 2021 में आई एक ड्रामा एक्शन मूवी है जिसे आईएमडी पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में एक कॉलेज की स्टोरी दिखाई गई है जो कि बंद होने वाला है, लेकिन उसके स्टूडेंट किसी तरह उसे बचाने के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं। नेक्स्ट मूवी है असुरन। असुरन 2019 में आई एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे आईएमडी पर 8.5 की रेटिंग मिली हुई है और 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में एक किसान की स्टोरी दिखाई गई है जिसके बेटे ने अपने बदले के लिए एक बड़े जमींदार की हत्या कर दी है, जिसके बाद उस किसान और उसकी पूरी फैमिली को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, जिसके बाद उनके साथ क्या होता है आप इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है सोराई पोत्रो, जिसका हिंदी नाम उड़ान है। सोराई पोत्रो 2020 में रिलीज एक ड्रामा एक्शन मूवी है जिसे आईएमडी पर 9.1 की रेटिंग मिली हुई है और 96% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में मारा नाम के एक बंदे की स्टोरी दिखाई गई है जो किसी तरह अपना एक एयरलाइन स्टार्ट करना चाहता है और लोगों को बहुत ही कम दामों में एयर ट्रेवल कराना चाहता है, जिसके बाद उसके रास्ते में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है आप इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है मायावन। मायावन 2017 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे आईएमडी पर 7.3 की रेटिंग मिली हुई है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में कुमारन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी दिखाई गई है जो कुछ मिस्टीरियस मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सारे मर्डर्स किसी सीरियल किलर ने किए हैं, जिसके बाद वो उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए किस तरह से कोशिश करता है इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है मजीली। मजीली 2019 में आई एक रोमांस ड्रामा मूवी है जिसे आईएमडी पर 7.2 की रेटिंग मिली हुई है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में पूर्णा नाम के एक बंदे की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो क्रिकेटर नहीं बन पाता, जिसके बाद उसके फादर और उसके पड़ोसी दोनों मिलकर जबरदस्ती उसकी शादी श्रावणी नाम की लड़की से करा देते हैं, जिसके बाद क्या होता है आप इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट मूवी है आतागुलू, जिसका हिंदी नाम हम है प्लेयर्स है। हम है प्लेयर्स 2018 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे आईएमडीबी पर 5.3 की रेटिंग मिली हुई है और 75% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में सिद्धांत नाम के एक बंदे की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अपनी वाइफ के मर्डर का अक्यूज्ड होता है, जिसके बाद वीरेन नाम का एक लॉयर उसके लिए अपॉइंट किया जाता है जो उसको इस मर्डर केस से बचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मूवी है तुम्बाड़। तुम्बाड़ 2018 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे आईएमडी पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में एक फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है जो कि हस्तर नाम का एक राक्षस का मंदिर बनाता है जिसकी पूजा करना वर्जित होता है। यह काम वो लोग खूब सारे पैसों के लालच में करते हैं, जिसके बाद उनके साथ किस तरह से भयानक घटनाएं होती है आप इस मूवी में देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी हिंदी में अवेलेबल बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।